हेलो, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पटना ब्रांच से हूँ और मैं ये वीडियो पीडीएट के ऊपर बना रहा हूँ, जिसका मैं पीडीएट के बारे में सारा कुछ सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीडीएट, जैसे मैंने मॉडल लिया है सीपी डैश यू एन पी E2521L15-DAP, ठीक है। और इससे मैंने फिजिकली इंस्टॉल्ड भी, ये डेमो टेबल है अपना, उस पर मैंने इसे इंस्टॉल्ड किया है। और ये मैं स्क्रीन पे मैं लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले मैं इसका फीचर्स बताना चाहूँगा। ये 25x ऑप्टिकल जूम है, इसके आयर जो है 150 मीटर आयर जो नाइट विजिबल है। दूसरी चीज़, ये WDR PTZ है। ऑटो ट्रैकिंग भी इसमें फैसिलिटी है क्योंकि ये है, और ये POE इनबिल्ट कैमरा है। फिलहाल मैंने इसे सेपरेट पावर से इसे ऑन किया हूँ। उसके बाद इसमें IBS ट्रैकिंग भी है अपना, जो ट्रिप वायर होता है, मिसिंग ऑब्जेक्ट होता है, आपका अबेंडेंड ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद इसमें कुछ इंटेलिजेंस फीचर्स भी दिया हुआ है, जैसे हीट मैप वगैरह का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। कुछ यूनिक फीचर्स इसमें ये है कि ये PFA टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट है, डैट इज प्रेडिक्टिव फोकस एल्गोरिदम। जो अगर मैं इसे जूम करूँ तो ये ब्लर पिक्चर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ें हैं तो इसे PFA इनबिल्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये डिफॉग कैमरा भी है अपना, अगर ये ठंड के मौसम में जहाँ पे लगाते हैं तो ये डिफॉग कर सकें पिक्चर को। दूसरी चीज़, अगर मैं इसे जूम करूँ, ठीक है, ये मैं इसे, अब मैं आपको WDR दिखाने जा रहा हूँ कि WDR कैसे कैसे काम करता है। तो WDR फीचर से ये कि जैसे ही मैं इसमें कंडीशन में जाने के बाद बैकलाइट एक्सपोजर पे जाऊंगा, उसके बाद जैसे ही ऑन करूंगा, ये चीज़ें हैं कि चीज़ों को ये कोलाइट कर देता है। जो आउटर लाइट्स आ रहे हैं, जो इंटरनल लाइट्स है, सारे को कोलाइट करके जो बेस्ट पिक्चर होता है वो हमें चीज़ों को सामने हमारे डिस्प्ले पर रख देता है। तो ये चीज़ें अभी हमने कर दिया है, अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। दूसरी चीज़, ये PTZ में ये फंक्शन सारे दिए हुए हैं, कहाँ से इनबिल्ट में मिलेगा अपना। ये जैसे IBS फीचर्स हमारा हो गया, फिर स्मार्ट प्लान हो गया, फेस डिटेक्शन भी है जैसे मैंने बोला, इंटेलिजेंस फीचर्स है, हीट मैप का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये सारे फंक्शन की मदद से हम हीट मैप की, हम इसे जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है या मॉल्स है वहाँ पे लगाते हैं, कितने कितने कस्टमर्स क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सो गैदरिंग कहाँ पे हो रही है, उस हिसाब से इसे हम डिज़ाइन करते हैं उसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम इसे लगाते कहाँ हैं, स्कूल्स में, एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, स्कूल्स में लगाते हैं, स्ट्रीट में लगाते हैं, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होता है, लार्ज FOP वाइड एरिया ज़्यादा दिखना होता है, तो वहाँ पर इसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये सब सारा फीचर से अपना PTZ का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। चीज़ों को जितना फार हो मैक्सिमम में ये कवर अप करता है कि पॉसिबल से पॉसिबल एरिया को जो है से ये जूम कर करके विदाउट ब्लर, विदाउट पिक्चर को फटे हुए, सारा कुछ ये हमें प्रॉपर डिटेल देता है। दूसरी चीज़, ये स्टारलाइट कैमरा के फीचर्स भी थोड़ा सा होते हैं कि ये इन्वायरमेंटल में जो बैड लाइट होते हैं, जो नाइट में जो होते हैं कम लाइट, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा पिक्चर हमें आउटपुट देता है। कुछ ये एडवांटेज थे जो आपका PTZ का जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, मैं आपको जैसा सर दिखाया ये, सॉरी, ये ओवरऑल कैमरा था हमारा कि कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हमने फिजिकली लगाते हैं, ये सारा कुछ था।